सुधांशु सर, आपके पास धनंजय ने जो बात कही कि अपने ही लोग जो जिस डाल में बैठे हैं उसे काटने का वो प्रयास कर रहे हैं, एक चीज। और दूसरा, ये जो टेंशन है एनडीए का, इंडिया जिस तरीके से, जो चाहे वो अभी बात कही धनंजय सर ने कि संविधान को भी उन्होंने रटा दिया है, और बाकी सामाजिक न्याय, आर्थिक वाली बात जो है, जिसकी कमियां और पेशियां अभी उसको कहीं ना कहीं बाकी भी पैनलिस्ट ने इंगित किया, अनिल सर ने भी कहा है कि वो जो हालात हैं उसमें तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक आधार ज्यादा जरूरत अभी भी बना हुआ है सब पर। आपकी प्रतिक्रिया सुधांशु सर मुझे ना थोड़ा सा टाइम दीजिए, तो कुछ टेक्निकल प्लीज। चीजें मैं रखना चाह रहा हूँ। जी जी एक तो ना प्लीज। इसका दो पक्ष है, ये जो सारा पिछले दिनों से चल रहा है ना, इसके दो पक्ष हैं। देखिए, एक चीज तो ये है कि इस देश में सामाजिक न्याय के लड़ने वालों के बीच, जिसमें मैं भी हूँ, 2018 से तब से देख रहा हूँ इन चीजों को, मतलब जो भारत का न्यायालय है ना, वो सामाजिक न्याय के मामले में हमेशा धोखा देता है। मैं इसमें, और किसी को स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लगता है तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हमने इसको देखा है सर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ओबीसी रिजर्वेशन लागू होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाकर 2 साल तक रोका जाता है, स्टे लगा दिया जाता है, और फिर जब डिसीजन आते हैं तो उस डिसीजन में एक नई चीज, जिसका संविधान में जिसकी कोई जिसका जिक्र नहीं है, क्रिमिनल लेयर लगा दिया जाता है। आप उसको उदाहरण जरा उसको उलट देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस लागू होता है सर, जिसकी संविधान में कोई चर्चा नहीं है आर्थिक आधार पर आरक्षण करने की, वो जब लागू होता है तो देश के किसी कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे नहीं लगा। कोई भी भारत का न्यायालय में बैठा हुआ जज इसका जवाब दे सकता है कि ऐसा क्या था कि आपको ईडब्ल्यूएस में कोई गलती नहीं दिखी, आपने स्टे नहीं लगाया और वहां पर लगा दिया। तीसरी चीज जो ये अभी हुआ है सर, बार बार एक चीज देखे ये आ रही है, क्या सुप्रीम के कोर्ट के पास कोई सोशल ऑडिट है किया हुआ? क्या उसके पास कोई डेटा है? आप डिसीजन देने से पहले कोई डेटा आपने मांगा किसी सरकार से? मान लीजिए कि हम कहते हैं कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी है, हो सकता है कुछ उसमें सच्चाई भी है, जैसे मान लीजिए ओबीसी का मैं उदाहरण ले, कि आप कह देते एक, मतलब ये चलता है कि भाई यादवों ने सारा हक खा लिया, फलाने जातियों ने खा लिया, दलितों के लिए कहा जाता है जाटवों के यहाँ चला गया, ये तो कहा गया है ना, इसका सोशल ऑडिट हुआ है क्या? कोई प्रमाण है, कोई लिखित चीजें किसी के पास है? किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन करा? पहली चीज तो ये है। तो देखिए, बात क्या है कि कोई जो टेक्निकल पक्ष होता है उसके ऊपर ना, तो जो बहुत जरूरी चीज है, जो आज जाति जनगणना की मांग उठ रही है, ठीक है, SC ST की जनगणना होती है, अगर सरकारें चाहती तो आराम से वो सारे ऑडिट कर सकती थी। ओबीसी में तो दिक्कत है क्योंकि ओबीसी का की जनगणना नहीं हुई, लेकिन SC ST की जनगणना होती है। आपको एक चीज और बताऊं, ये नैरेटिव चलता है इस देश में कि जाति जनगणना होगी तो जातिवाद फैल जाएगा। अरे भैया, पहले से SC ST की जनगणना हो रही है इस देश में, ये भी लोगों को जानना चाहिए। ओबीसी की अब होनी है, ये अलग बात है कि अब नया नैरेटिव ये आया है कि आप SC ST जनगणना करने के बजाय हर एक की जाति जनगणना करें, और वो इसलिए आ रहा है कि ये जो डिसीजंस आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए सर, हम सबको ये पता हो क्लियर कट कि हाँ जी, एक्स जाति ने को इतना मिल गया, वाई को इतना मिल गया, जेड को इतना मिल गया, और ये फलाने फलाने ABCDE जो है इनको कुछ भी नहीं मिला। ये हमारे पास अगर फैक्चुअल हो और वो समाज के सामने रखा जाए, तो फिर कोई बहुत जो भी समझदार लोग हैं वो एक पल को ये जरूर कहेंगे, ठीक है जी, फलाने फलाने को नहीं मिला। क्योंकि सोशल जस्टिस में अगर हम, मतलब जो लोग मान लीजिए जो जो उसका थोड़ा सा लाभ ले चुके हैं, अगर वो कल आके कहें दूसरे को नहीं मिलना चाहिए, फिर उनके ऊपर भी सवाल उठेगा, भाई तुम तो ये आरोप अपर कास्ट के ऊपर लगा रहे थे, अब तुम खुद करने लग गए। तो ये तब सही होता जब आपके पास एकदम साफ साफ एक एक डेटा होता, और भारत सरकार, राज्य सरकारें सब सबके सामने रखती, देखिए जी बिहार में फलाने फलाने जाति ने इतना ले लिया और फलाना फलाने बेचारे को कुछ भी नहीं मिला। एक दूसरा इसका जो हो सकता था, जो एक चीज और है, देखिए एक अभी कोई कह रहे थे कि धनंजय सिंह जी कह रहे थे कि कांग्रेस के टाइम पे NFS होता था और उसको कन्वर्ट करके, आपको बताऊं पिछले लगभग 8 साल से इंटरचेंजेबिलिटी बंद है, ऑर्डर है कि आप SC की सीट ST को नहीं दे सकते, ST के SC को नहीं दे सकते, और जनरल को तो बिल्कुल नहीं दे सकते, क्लियर कट ऑर्डर है DOPT का, तो आप दे ही नहीं सकते जी। तो ये आरोप लगाना तो अपने आप में अन्यायपूर्ण है। पहले हुआ है, नो डाउट, पहले आज से 8-10 साल पहले ये खूब होता था कि NFS कर देते थे और एडवर्टीजमेंट में चीटिंग कर लिया, 2 बार एडवर्टाइज करके उसको फिर अनरिजर्व को दे दिया जाता था, इसलिए आज तक भी जो है जो रिक्वायर्ड परसेंटेज 15, 7.5 और 27 का अभी तक पूरा नहीं हुआ, उसकी ये वजह है। तो अब क्या रह गया कि जो इसमें होना क्या चाहिए, जो मैं जो हुआ है ऑर्डर, पहले हम उस फिर हम पॉलिटिकल जो स्थिति है उस पर बात करेंगे। देखिए, अगर ये डाटा पहले निकाला जाए, सबसे पहली चीज है ये डाटा निकाला जाए, उसके बाद एक प्रोविजन हो, जैसे मान लीजिए कि 15% SC का डिवीजन है, आरक्षण का उनका है हिस्सा, उनकी आबादी निकाल लीजिए, अगर वो 17% पे है, 18% पे है, 20% पे है, या 14 पे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है, तो उनको उतना रिक्वायर्ड परसेंटेज दे दीजिए, और फिर उसमें आप 2 या 3 श्रेणियां बना के, जो ज्यादा ऊपर आ गया है उसका परसेंटेज, जो थोड़ा नीचे रह गया उसका परसेंटेज करिए,
और इन दोनों के बीच इंटरचेंजेबिलिटी अलाउ कर दीजिए कि मान लीजिए कि मुशर जाती है और एक मान लीजिए पासवान जाती है, पासवान ने ज्यादा ले लिया, हमारे को आंकड़ा मिल जाए और तो हम ये कर सकते हैं ठीक है मुशर के लिए एक अलग से परसेंट उसी रिक्वायर्ड में जो 18% अभी तो 15 है, मान लीजिए 15 पे लेते हैं, 15 पे आपने दो डिवीजन कर दिए, 7.5 कर दिया, 10.5 कर दिया, जो भी वो तो जब आंकड़े आएंगे तभी आप कर पाओगे। फिर ये ऑप्शन हो जाए कि मान लीजिए कि भाई जैसे अभी धनंजय भाई कह रहे थे कि मान लीजिए पढ़ा नहीं है या रिजर्वेशन दे दोगे तो लेगा कौन, तो उसमें एक ऑप्शन हो सकता था कि मुशर जाति को आपने आरक्षण दिया 5%, उसके कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे तो उसको आप फिर पासवान से ले लीजिए, उसको अनरिजर्व में मत दीजिए। तो ये एक रियल चीज होता कि हम समाज को समरस और बराबर बनाना चाहते, ये एक टेक्निकल पक्ष था जो आपके सामने मैं रखना चाहता था, वो मैंने रखा। देखिए दूसरा एक महत्वपूर्ण अब आता है बात की, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन हवा में तो नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट केंद्र की सरकार से कुछ डॉक्यूमेंट्स तो मांगी होगी ना, हमको ये भी तो देखना पड़ेगा कि वहां पर उस समय भारत की सरकार ने, भारत के सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा है, क्या आंकड़े रखे हैं उन्होंने, क्या ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने ही कुछ इस तरह के आंकड़े दिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये मौका मिल गया ये करने का, ये डिवीजन करने का। तो दूसरा सवाल तो इसलिए जो आज ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं और जिसके पक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं उसकी वजह ये है कि भारत सरकार ने क्या न्यायपूर्ण ढंग से इन इन वर्गों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा है, या हो सकता है भारत सरकार ने रखा और सुप्रीम कोर्ट ने आउटरीच कर दिया, उसको रिजेक्ट करके कर दिया ये, लेकिन अभी तक तो आया नहीं इस तरह का डेटा, तो इसका मतलब भारत सरकार। और एक और चीज बताता हूं, आज से 5 साल पहले ये जो चाल है ना, बेसिकली ये चाल सरकार की तरफ से खेला जा रहा है बहुत प्लान तरीके से। एक अटैक हुआ था ओबीसी क्रिमिनल, और वो अटैक क्या था अगर आप में से किसी को याद हो, एक 2018-19 में पार्लियामेंट्री कमेटी, ओबीसी पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसके चेयरमैन हुआ करते थे गणेश सिंह जी सतना वाले, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके साथ इन्होंने जो किया वो सबको पता है, वो बेचारे चौथी पांचवें बार के एमपी हैं, आज तक कभी मंत्रालय नहीं मिला है उनको। तो वो जो उन्होंने क्या किया था ना, कुछ रिकमेंडेशन किए थे, सर्टेन रिकमेंडेशन भारत सरकार के किए थे, और उसमें वजह ये थी कि ये जो क्रिमी लेयर है, ओबीसी का क्रिमी लेयर है जी, इसको ठीक करना, और ठीक करने का जो प्रपोजल था वहां पर, जो भारत सरकार ने मतलब जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने तो कुछ और प्रपोजल दिया था, मैं बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बताऊं तो, कभी आप अगर टाइम देंगे मैं बहुत डिटेल टेक्निकल चीजें बता सकता हूं। खैर लेकिन उनके रिकमेंडेशन को, जो पार्लियामेंट्री कमेटी, इसमें 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओबीसी कम्युनिटी के होते हैं, उनके रिकमेंडेशन को भारत सरकार ने डंप कर दिया। दरअसल ये हुआ क्या था, एक लाइन खाली बताता हूं, यूपीएससी की परीक्षा जब ये केंद्र सरकार आई थी 2014 में, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो रिजल्ट आए थे उसमें से लास्ट 25 कैंडिडेट जो ओबीसी कैटेगरी के थे उनकी ज्वाइनिंग रोक दी थी केंद्र सरकार ने, कि आप जो है क्रिमी लेयर की सीमा का आपका परिवार क्रॉस करता है, इसलिए आप क्रिमी लेयर में आते हो, इसलिए आपको ओबीसी में आपको सिलेक्शन आपका मान्य नहीं होगा, और वो बच्चे कोर्ट गए थे, और उसी के ऊपर उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था। उसमें खेल क्या हुआ है, 1991 में जब ये ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ सर, तो उसमें ये था कि एक इक्विवेलेंस तय किया जाएगा, मतलब जो क्लास वन ऑफिसर की ओबीसी क्रिमिलेयर निर्धारित करने का जो बेसिक वजह है वो आपको सरकारी नौकरियों में क्लास वन ऑफिसर है तो आपके बच्चे रुकेंगे, और वो आज तक किसी सरकार ने इक्विवेलेंस तय नहीं किया। तो इस सरकार ने चला कि एक तो पहले उस बच्चे को रोका गया, फिर वो कोर्ट गए, कोर्ट में से जीत कर आए वो, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अरे इसको इजी आउट करते हैं, और इन्होंने एक प्रपोजल किया इस सरकार ने, ये जो मोदी जी की सरकार, इन्होंने एक प्रपोजल किया राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में, कैबिनेट कमेटी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था, प्रपोजल था, एक शर्मा जी की कमेटी बनी थी, और उन्होंने कहा कि जो क्रिमी लेयर का 8 लाख है उसको बढ़ा के 12 लाख कर देते हैं, और ये सब नौकरी वोकरी छोड़ते हैं जी, बस 12 लाख की आपकी आय हो गई, उसके बाद आप अनरिजर्व हो जाएंगे, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जबकि ओबीसी रिजर्वेशन जब लागू हुआ है तो उसमें पैरेंटल इनकम काउंट होता है और ईडब्ल्यूएस के ऊपर फैमिली इनकम काउंट होता है, ये सारे और ये चूंकि भारत की आम जनता जानती नहीं, इसलिए जितने लोग सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं, सर्टिफिकेट बनाने वाला सिंपल 8 लाख रुपया देखता है। तो ये पहली चालाकी वहां पर कर चुके थे कि ओबीसी क्रिमिलेयर को बदलो और उसको आर्थिक आधार पर इक्वल टू ईडब्ल्यूएस लेकर आओ, इनकी चालाकी वहां पर एक पहला काम ये कर चुके थे। और मैं तब से कह रहा था लोगों को कि एससी एसटी की ऑलरेडी कोर्ट में केस पड़ा हुआ, थर्ड पॉइंट वही है कि आपके ऊपर क्रिमी लेयर लगाया जाएगा और फाइनल स्ट्रक्चर जो आएगा कि सारे आरक्षण आर्थिक आधार पर कर दिए जाए। और संजीव जी मैं बताऊं, आर्थिक आधार पर आरक्षण की सच्चाई ये है, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं मैं, ईडब्ल्यूएस में वैसे वैसे कैंडिडेट लग रहे हैं जिन जो मर्सिडीज बेंज, मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ियां फॉर्च्यूनर लेकर पढ़ने आते हैं और ईडब्ल्यूएस में लगे। तो ये तो हो गया सर टेक्निकल पक्ष। अब आता है पॉलिटिक्स का। देखिए मनसा इनकी बहुत स्पष्ट है, अभी एनएफएस दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अकेले मैंने डाटा निकाला, 110 पोजीशन पे एसोसिएट प्रोफेसर
और असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर 110 कुल 400-500 का एक जो डिपार्टमेंट वाली नियुक्तियां होती है, कुल 500-600 प्रोफेसर, उसमें से 110 एनएफएस हुए, मेरे पास वो डाटा है। अब क्या होता, अभी तक क्या हो रहा था, जो चेंजेस केवल ये आए हैं कि इसके पहले तक, इस 2024 के रिजल्ट से पहले तक लोग सब कुछ जानते हुए मजबूरी में चुप थे, क्योंकि पर्सनल अटैक होता था उन सारे एक्टिविस्टों के ऊपर, इस न्याय के लिए आवाज उठाने वालों के ऊपर पर्सनल अटैक होता था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने चुप्पी साध रखी थी कि भैया आप पहले अपनी नौकरी बचाओ, अपना कैरियर बचाओ, देन, क्योंकि ये लड़ने नहीं दे रहे। 2024 के रिजल्ट के बाद लोगों में एक भरोसा कायम हुआ है कि हम अपने हकों के लिए लड़ पाएंगे, इसलिए अब वो चीजें निकल कर आ रही। जो लेटरल एंट्री वाला हुआ है, आप सोचिए कि आज प्रधानमंत्री जी का बड़ा वो चिट्ठी, अगर आप लोगों ने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं इसको वापस लो, डीओपीटी ने दिया हुआ ना, यूपीएससी को सपने तो नहीं आएंगे 45 लेटरल एंट्री वाले लोग चाहिए, ये सपने यूपीएससी को तो नहीं आए होंगे, भारत सरकार ने लिख कर दिया होगा हमें ये 45 लोग चाहिए, तो इसका मतलब आपके मन में पहले से था। जब प्रेशर बढ़ा, राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी कि हम आंदोलन करेंगे, सोशल एक्टिविस्ट अटैक करने लग गए, तो आपको घबराहट हुई कि भैया ये जो नैरेटिव बना है और जिसकी वजह से हमारी सरकार गई, मोटे तौर पर मान लीजिए नहीं गई, लोगों के सहयोग से बची हुई है, तो अब ये बार बार ये चालाकियां करते। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये पॉलिटिकल चालाकी क्या करते, आप देखिए इसी वाले में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो इन्होंने अपने एस सी एस टी ओबीसी के जो इनके एस सी और एस टी के जो पार्लियामेंटेरियन, उससे रिप्रेजेंट कराया अपने को, खुद को, है ना, और उसके बाद अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, स्टेटमेंट आ गया। 200 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई में भी इन्होंने ऐसे ही किया था, जब हम लोग लड़ रहे थे तो इन्होंने क्या किया कि इनके जो एस सी एस टी ओबीसी और ये अनुप्रिया पटेल, इन लोगों से, चूंकि इनको लगा कि भाई हमें भी तो पॉलिटिकल माइलेज मिलना चाहिए, क्योंकि अब उनको लगा कि करना तो है ही, मजबूरी है, भारत बंद हो रहा था, साल भर आंदोलन चल रहा था, तो ये अब यही चीज, ये जो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि बड़ा चिराग पासवान बड़े चैंपियन हो गए, सर ऐसा है नहीं, ये चिराग पासवान को आगे ला रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली अगर हम अपनी कदम पीछे खींचते हैं तो इसका क्रेडिट राहुल गांधी को ना मिल जाए, इसका क्रेडिट जो है अखिलेश यादव को ना मिल जाए, या मायावती जी ना ले जाए, तो या मायावती जी तो कहाँ है सबको पता है, तो अब ये ऐसे करके स्टेप्स ये चले, मतलब अपने अनुप्रिया पटेल से बयान दिलवाना, अनुप्रिया पटेल को पहले से समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी चीजें हो रही। मैं अभी आपको बताऊं सर, ये जो अभी आज आपको सर एक चीज बता रहा हूँ, मतलब संजीव चंदन जी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, जो देश के साथ हो रहा है, हम रिजर्वेशन लड़ रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का 2 दिन का पहले का आप इंडियन एक्सप्रेस उठा के देखिए, रिपोर्ट आई है, जेएनयू के वाइस चांसलर का बयान है कि उनको खर्चा निकालने के लिए उनके पास एक फिरोज शाह के रोड के ऊपर उनकी जमीन है, उनको बेचना पड़ रहा है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो अभी इन्हीं के द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग में देश में दूसरे नंबर पे आई, आईआईटी के समान, आईआईटी वगैरह को समान मिला के तब वो जेएनयू जो है सेकेंड नंबर पे आ रहा है, और उसकी आर्थिक हालत इतनी खराब है कि उसको जमीन बेचनी पड़ रही है अपने खर्चे निकालने की। और आज एक रिपोर्ट आई है, जेएनयू ने क्या किया है कि हमारे क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो वैकेंसियां होती है उसमें कुछ लोग प्रमोशन से भी एसोसिएट बनते हैं और प्रोफेसर बनते हैं, और कुछ लोग डायरेक्टली रिक्रूट भी होते हैं। तो इनको ये जेएनयू ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो अब हम एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरशिप पे डायरेक्टली रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। आप सोचिए हम किस आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो इनकी जो मंशा है, लोगों को ये समझना चाहिए कि बीजेपी आपको डर से पीछे हटके कागज पे तो आरक्षण देते हुए दिख सकती है, लेकिन न्याय करके ईमानदारी से उन वर्गों को हक मिलेगा। आप सोचिए जेएनयू में एटलीस्ट 50% तो एससी एसटी ओबीसी समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, अब तो ईडब्ल्यूएस भी लागू हुआ तो चलिए उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, 60% बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो देश का सर्वोच्च संस्थान जो है अपना खर्चा नहीं निकाल पाए, तो बच्चे को बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आरक्षण कहां मांगेंगे जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत ये बहुत शातिराना खेल है, समाज को समझना होगा। आप प्रेशर बनाते वो पीछे हट जाएंगे, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होना, क्योंकि इनकी मंशा है नहीं, ये दे नहीं सकते। लेकिन एक चीज ये भी है, लास्ट बात मैं कह रहा हूं, अब ये चाहे जितना भी कोशिश कर लें सर, देखिए दोबारा से एक ना चर्निंग शुरू हुई है, एस सी एस टी ओबीसी समाज के लोग जो बड़े पैमाने पे इनके साथ गए थे, वो पिछले 2-3 सालों में उनको सारी बाजीगरी समझ में आ गई है कि ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, और वो वापसी कर रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में पॉलिटिकली भी इनको बहुत आसान नहीं रहने वाला ये लड़ाई, अगर बहुत अच्छे ढंग से विपक्ष के लोग और सोशल एक्टिविस्टों ने इसको प्ले किया तो एक बड़ा बदलाव जो है देश की राजनीति में होगा।